पिछले 6 सालों में 20 बार आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर, आपने 20 लाख करोड़ अर्जित किया, माफ कीजिएगा 12 बार आपने बढ़ाई और 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। ये दूसरा प्रश्न भी बनता है कि आखिर क्या कारण है आप जो लाभ अर्जित करते हैं उसको आम उपभोक्ता के साथ बांट नहीं सकते, वो राहत आम उपभोक्ता को नहीं दे सकते। चलिए आपने 6 साल में नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया, हम तो बार बार तब भी कहते रहे अब भी कह रहे हैं, आज जो स्थिति है वो भयावह है। देश के कई कोनों से दिल दहला देने वाली उदाहरण सुनाई देते हैं कि भुखमरी के चलते कोई राख खाकर जी रहा है, कोई मेंढक खाने पे मजबूर हो रहा है, ये क्या स्थिति है। और ऐसी स्थिति में अगर हम ये राहत आम उपभोक्ता को नहीं दें, जो तेल के गिरे हुए दामों की राहत है जो सरकार को मिल रही है वो हम आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर, इनको नहीं दें, तो ये सरकार क्या अपना दायित्व तो निभा रही है। आज जो आप राहत देंगे वो मुझे, प्रणव जी को, विनीत जी को, संजीव जी को, आप में से किसी को कि तो नहीं मिलेगी ना। ये राहत तो मिल रही है आज किसान को जिसको हार्वेस्टिंग करना है, अपना सामान मंडी तक ले जाना है। ये राहत मिलेगी उन ट्रांसपोर्टर्स को जो सप्लाई चेन जो कि चरमरा गई है पिछले 1 महीने से ऊपर, उसको दुरुस्त करने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके हाथ में है सामान इधर से उधर ले जाना, खाद्यान्न इधर से उधर ले जाना, सब्जी खेत से मंडी तक लाना, उन सबको ये राहत मिलेगी। मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी। धीरे धीरे लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में जब समाप्त होगा, फिर से अर्थव्यवस्था और हमारी और आपकी जिंदगी पटरी पर आएगी, उसके लिए भी ये राहत आवश्यक है। आखिर क्या कारण है सरकार ये राहत नहीं देना चाहती।